दोस्तों आप सभी का स्वागत है टीके जनरल स्टडीज़ में दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर इंडिया जीके का क्लास लेकर आए हूँ जो कि भारत का सामान्य ज्ञान का क्लास रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जो भी यहाँ पर अपैक्स बैंक की तैयारी कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं साथ ही साथ प्रयोगशाला परचारा की तैयारी कर रहे हैं या पी की तैयारी कर रहे हैं सभी में काम आएगा तो अच्छे से आप क्लास करिए और कंटिन्यू आप सभी के लिए हमें क्लास लेकर आ रहा हूँ तो जो भी अभ्यर्थी चैनल में जुड़े नहीं हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी पी की तैयारी प्रयोगशाला टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं जो कि प्रयोगशाला प्रचारक की वो चैनल से जुड़ जाइए अपेक्स बैंक वाले भी जुड़ जाइए क्योंकि कंटेंट यहाँ पर क्लास आपको देखने को मिलेगा जो कि पूर्णता निःशुल्क रहेगा तो चलिए जल्दी से यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं चैनल से जरूर जुड़ जाइए और बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसको नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे जॉब से रिलेटेड जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाती है साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी इसका पी है जो जॉब से रिलेटेड उसका पी आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किए होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से कर सकते हैं या टेलीग्राम में आप सीधे डी के जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आए क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा तो आइए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है हरित क्रांति जो भारत में हुआ था उन्नीस सौ अड़सठ के आसपास तो उसका यहाँ पर किस प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर जोड़ा जाता है तो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री है स्वर्गीय इंदिरा गांधी स्वर्गीय नरसिम्हा राव या स्वर्गीय नरसिम्हा यहाँ पर राव है दो बार हो गया तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो उसका करेक्ट जो आंसर है आपका ए हो जाएगा स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के समय जो कि हरित क्रांति का नाम जोड़ा जाता है अगला प्रश्न है कृषि भारत की आत्मा है यह कथन किसने दिया था तो कृषि भारत की आत्मा है यह कथन किसने दिया तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू है श्रीमती इंदिरा गांधी डॉक्टर जाकिर हुसैन है महात्मा गांधी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका महात्मा गांधी हो जाएगा जो कि कृषि भारत की आत्मा है कि उन्होंने कहा था तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने कहा था अगला प्रश्न है भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू हुआ क्योंकि भारत में विदेशी प्रबंधन विनियम जो है जिसको फेमा कहा जाता है वो कब लागू हुआ तो उन्नीस सौ तिहत्तर उन्नीस सौ इक्यानवे उन्नीस सौ संतानवे या दो हज़ार तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दो हज़ार हो जाएगा दो हज़ार में ये क्या हुआ था लागू हुआ था अगला एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श उल्ट मीटर के प्रतिरोध है क्रमशः तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया है एक आदर्श अमीटर और दूसरा एक आदर्श उल्ट मीटर दोनों का जो प्रतिरोध है क्रमशः क्या होगा तो इन दोनों का जो प्रतिरोध है क्रमशः क्या होगा तो पहले का शून्य और दूसरे का अनंत यहाँ पर आदर्श अमीटर का एक शून्य का एक अनंत हो जाएगा अगला प्रश्न है एक माध्यम का अपवर्तनांक एम किस पर निर्भर करता है एक जो माध्यम होता है जिसका अपवर्तनांक है किस पर निर्भर करता है तो माध्यम का तापक्रम है आपतित किरण का धर है माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक व्यवस्था उपयुक्त सभी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा एक माध्यम में माध्यम का ताप्रम आपवर्तित क्रियांतर्य और माध्यम की प्रकृति में भौतिक अवस्था अगला है निम्नलिखित धातुओं को जल से क्रियाशील के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से जो धातु है उनको जल से क्रियाशील के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो पहला है जस्ता है फिर लोहा है मैग्नीशियम है सोडियम तो यहाँ पर क्या बोला है बढ़ते क्रम मतलब सबसे कम वाले पहले उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा वाला तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा जो कि पहला दो हो जाएगा आपका लोहा है फिर जस्ता है उसके बाद आपका मैग्नीशियम फिर आपका यहाँ पर सोडियम तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों जिस भी अभ्यर्थी को छात्र अधीक्षक का मॉडल गेसिंग पेपर लेना है वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं जी हाँ यहाँ पर आप सभी के लिए बेहतरीन मॉडल ग्रेसिंग पेपर बनाए हूँ जो कि पंद्रह मॉडल ग्रेसिंग पेपर रहेगा पी के माध्यम से जो कि उत्तर सहित रहेगा जिसमें प्रत्येक सेट में 150 प्रश्न सिलेबस वाइज रहेगा सबसे पहले आपके यहाँ पर एक से लेकर पचास तक कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे उसके बाद हिंदी के प्रश्न दस प्रश्न फिर अंग्रेजी के दस प्रश्न उसके बाद गणित के बीस प्रश्न इंडिया जी के फिर पंद्रह प्रश्न उसके बाद करंट अफेयर के यहाँ पर पंद्रह प्रश्न छत्तीसगढ़ जी के बीस प्रश्न उसके बाद आपके बाल मनोविज्ञान के दस प्रश्न तो इस तरह सेट वाइज बनाया हुआ है एक से लेके एक सौ पचास तक क्रम वाइज जैसे सिलेबस आप रहे जैसे आपका रहेगा जैसा आपका एग्ज़ाम होगा सेम इसी पैटर्न पर और बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आपको एग्ज़ाम में आने लायक तो जो भी अभ्यर्थी लेने के इच्छुक है जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूँ कंप्यूटर का टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी सभी सेट मिलाकर सात प्रश्न हिंदी के एक इंग्लिश के एक गणित के तीन प्रश्न इंडिया जी के यहाँ पर दो करंट अफेयर के दो छत्तीसगढ़ जी एस के तीन प्रश्न बाल मनोविज्ञान के 150 इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या बाईस सौ पचास प्रश्न रहेंगे सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट काफ़ी मददगार साबित होंगे जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप जरूर परचेस करिए और इसके लिए यहाँ पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं सेवन एट टू एट टू फाइव इस नंबर पर और व्हाट्सएप पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा जो अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वहीं व्हाट्सअप करिए जिसको छात्र शिक्षक बनना है और बेहतरीन मॉडल रिसिंग पेपर है सेलेक्टेड है सभी तो चलिए दोस्तों विलियन का युग्म अम्लीय प्रकृति का है तो कौन से जो लवण है जिसमें विलियनों का युग्म जो अम्लीय प्रकृति का है तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका सही आंसर क्या होगा तो उसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा सी ओ एस ओ फोर एन एच एस ओ फोर अगला मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि कौन से है तो मानव जो शरीर है सबसे बड़े ग्रंथि कौन से है तो लीवर है घनाशा है प्यट्री है या थाइराइड है तो जो मानव उनके सबसे बड़े ग्रंथि कौन सी हो जाएगी तो उसका जो सही आंसर है यहाँ पर लीवर हो जाएगा अगला प्रश्न है निम्नलिखित तो में से कौन से सही हैं इनमें से बताना है कि छह प्रकार के यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है जिसमें एक दो तीन से लेकर छः तक जिसमें राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं निर्वाचक मंडल में राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति पाँच वर्ष के लिए निर्वाचित होता है आपातकाल में राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है एक व्यक्ति जो भारत का प्राकृतिक नागरिक है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है तो यहाँ पर बोला क्या गया है तो कौन सा सही है तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा सही है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो जो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा तो चलिए देख लेते हैं करेक्ट तो आंसर तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा डी वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर टी वाला एक दो चार तो यहाँ पर चार है उसके बाद एक और दो है जो कि सही है एक और दो एक दो और चार अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है इनमें से कौन सा है जो कि सही है तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा सही है तो यहाँ पर चार कोटेशन दिया हुआ है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ए, उसके बाद है राष्ट्रपति भारत के तो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं तो चार यहाँ पर कोटेशन दिया हुआ है चार प्रकार के वर्ड्स शब्द दिया हुआ है वाक्य दिया हुआ है तो इनमें से कौन सा सही है हमको यहाँ पर बतानी है तो चलिए देख लेते हैं तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा तो उसका सही आंसर एक दो तीन चार सब यहाँ पर चारों चीज दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो उसको करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा अगला है भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है किंतु वह विकृत वित्त का है वह विकृत चित्त का है इसकी घोषणा कौन करेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं एक भारत का नागरिक है थोड़ा सा उसका जो माइंड है विकृत है और इस तरह से उसकी घोषणा कौन करेगा चुनाव लड़ना चाहता है राष्ट्रपति राज्यपाल संक्षण माना मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो उसका जो सही आंसर है वहाँ पर डी हो जाएगा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हो जाएगा अगला एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया एक जो विध... विधेयक है विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधान परिषद में भेजा गया है इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई तो आगे क्या होगा विधेयक व्यगत हो जाएगा यदि वह विधान परिषद द्वारा पारित हो होगा तो कानून बन जाएगा नई विधानसभा इस पर पुनर्विचार करेगी या राष्ट्रपति को संदर्भित किया जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर ये हो जाएगा विधेयक व्ययगत हो जाएगा अगला है भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है तो भारत जो देश है वहाँ पर कौन सी कैलेंडर को मान्यता दी गई है तो बाबू लाल चतुर्वेदी है ग्रेगोरियन कैलेंडर है भारतीय कैलेंडर या विक्रमी कैलेंडर तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो उसका जो सही आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसको भारत सरकार ने मान्यता दी है अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हिते का संरक्षण प्रावधानित है तो अनुच्छेद सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो उसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर अनुच्छेद उनतीस है तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद उनतीस अगला प्रश्न है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए यहाँ पर विषय में क्या है जो कि उसके लिए जो हटाने की जो प्रक्रिया है उपसभापति को राज्यसभा का तो यहाँ पर देखिए पांच वाक्य दिया हुआ है और कूट के आधार पर यहाँ पर हम लोग इसका आंसर देखेंगे तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा यहाँ पर जो दिया है जो उसके सही है तो उसका राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा एक तीन पाँच तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा सबसे पहले एक है प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से, से प्रारंभ किया जा सकता है एक तीन प्रस्ताव पुनर्स्थापित करने के लिए सदन एक दिन एक चौथाई सदस्य का हस्ताक्षर अच्छा अनिवार्य है उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है लास्ट है आपका इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा सी वाला उसके बाद इसमें एक तीन पाँच तो एक और यहाँ पर तीन उसके बाद एक पाँच प्रस्ताव सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाएगा तो उसी वाला एक तीन पाँच सही हो जाएगा अगला है निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुसवन से लेकर मृतक दाह के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं तो कौन सा जो ग्रंथ है जहाँ पर मृतक दाह एवं सामाजिक रीति रिवाज संस्कार वर्णित है तो धर्म सूत्र है गृह सूत्र है श्रोत सूत्र है या विशिष्ट सूत्र है तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा सूत्र अगला प्रश्न है दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीवी संबंधित थी तो चांद बीवी दक्षिण जो भारत है वहाँ कौन से रियासत से संबंधित थे तो बीजापुर गोलकुंडा अहमदनगर बरार तो इसका राइट आंसर क्या अलग है तो इसका सही जो आंसर है सी हो जाएगा जो कि अहमदनगर से संबंधित है अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों से भारतीय संस्कृति के सर्वाधिक योगदान दिया है तो स्थापत्य चित्र कला मूर्तिकला नृत्य कला एम पी क्वेश्चन है तो मुगलों ने किस क्षेत्र में भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया है तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा जो कि स्थापत्य कला है अगला प्रश्न है चलिए देख लेते हैं महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी तो महात्मा गांधी द्वारा जो यहाँ पर जो आंदोलन हुआ था उनमें सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका तो चंपारण आंदोलन है खेड़ा आंदोलन अहमदाबाद मिल हड़ताल या बारदुल्ली सत्याग्रह तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसका राइट आंसर यहाँ पर चले देख लेते हैं तो उसका सही आंसर यहाँ पर बारदुल्ली सत्याग्रह है जहाँ पर सरदार पटेल को उपाधि दी गई थी जो कि सरदार को तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी डी हो, हो जाएगा अगला राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में वेश के समय इनमें से किस वायसराय रैपर बम फेंका गया था तो यहाँ पर देख सकते हैं जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी तो किस उस समय किस वायसराय रैपर बम फेंका गया लाट कर्जन जन लाड लितको लार्ड एमेंटो लार्ड हार्डिंग तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो जो इसका सही आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा आपका पर लार्ड हार्डिंग अगला अगला प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया तो आचार्य कृपलानी है आचार्य नरेंद्र देव आचार्य विनोबा भावे आचार्य करवे तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो इसका करेक्ट जो आंसर है आचार्य यहाँ पर विनोबा भावे हो जाएगा जो कि इसका सही आंसर है तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उन्नीस में यहाँ पर भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा अगला है मानव भूगोल के जनक कौन है तो मानव जो भूगोल के जनक कौन है तो चलिए देख लेते हैं फेडरिक रेड कार्ल सावर विडाल डी लाब्ला से जिन ब्रूंस तो इसका सही आंसर यहाँ पर कहा जाएगा तो उसका करेक्ट आंसर फेडरिक रेडजल हो जाएगा जो कि मानव भूगोल के जनक है अगला है बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तो बॉम्बे हाई किसके लिए है पेट्रोलियम कोयला हिजाब ऑक्साइड तो बॉम्बे जो हाई है यहाँ पर देख सकते हैं तो जो कि पेट्रोलियम के लिए काफ़ी फेमस है अगला है बगानी फसल है तो बगानी फसल कौन सा है धान है गेहूँ जूट चाय बगानी जो बगान के लिए रहता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चाय हो जाएगा तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसका बगानी जो फसल कौन सा है यहाँ पर चाय है अगला है भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ तो जर्मनी ब्रिटेन फ्रांस या सोवियत संघ तो भिलाई जो इस्पात है किस देश के सहयोग से यहाँ पर बना है तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा सोवियत संघ जो कि भिलाई इस बात उन्नीस में यहाँ पर बना है और लगभग इसमें जो काम स्टार्ट हुआ है उन्नीस के आसपास अगला क्वेश्चन है सीकासार बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ तो सोनडूर है महानदी हस हसदेव या पैरी तो जो सीकासार बांध है किस नदी पर बना हुआ है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर पैरी नदी हो जाएगा अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र है किसको शामिल नहीं किया तो विनिर्माण है विद्युत है निर्माण है खनन उत्खनन तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो चलिए देख लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया तो विनिर्माण विद्युत निर्माण या खनन तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर खनन उत्खनन तो जिसको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है प्राथमिक क्षेत्र है तो ए वाला ऑप्शन ए डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपका क्या है यहाँ पर खनन उत्खनन जो कि यहाँ पर आपको प्राथमिक क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा और विनिर्माण है विद्युत है निर्माण है जो कि द्वितीय क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा तो उसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा अगला है वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की दस की वृद्धि दर क्या है तो चौबीस दशमलव तेईस प्रतिशत उन्नीस दशमलव सात प्रतिशत बाईस दशमलव इकसठ या इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा बाईस दशमलव इकसठ प्रतिशत अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे राष्ट्रीय आय कहा जाता है तो सकल घरेलू उत्पाद की कीमत शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत या शुद्ध राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू राष्ट्रीय आय तो इसका राइट आंसर यहाँ पर राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय आय को कहा जाता है तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं भारतीय नियोजन में किस अवधि को यहाँ पर योजना अवकाश कहा जाता है तो जो भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है तो उन्नीस से उन्नीस की अवधि उन्नीस से अस्सी की अवधि नब्बे से बयानबे की अवधि उपयुक्त में से कोई नहीं तो योजना काल बीच में था क्योंकि हर पाँच वर्ष में पंचवर्षीय योजना स्टार्ट रहती थी चलती थी तो कौन सा एक अवधि था जिसमें योजना अवकाश हो गई थी तो चार ऑप्शन दिया हुआ है तो उसका सही आंसर क्या रहेगा उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा उन्नीस से उन्नीस के अवधि में योजना अवकाश कहा जाता है दोस्तों इस तरह आप सभी के लिए हाँ पर यहाँ पर क्लास है भी अभ्यर्थी यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं पी और परिचारक का तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं तो चलिए दोस्तों धन्यवाद